जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौरिया क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे RRB NTPC एग्ज़ाम पैटर्न CBT फर्स्ट, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, किस आधार पर उसमें क्वेश्चन होंगे, किस हिसाब से उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने नंबरों का रहेगा और कैसे कैसे। तो आज हम आपको बता दें बेसिक से, आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक दो स्टेज क्लियर करनी है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के लिए रहेगा CBT 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट। इसमें क्या रहेगा, इसमें परीक्षा की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 90 मिनट, प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें GSK यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न 40, गणित के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता के भी 30 प्रश्न ही रहेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एक अंक प्रति प्रश्न के लिए दिया जाएगा, यानी कि हर एक सही अंक के लिए एक प्रश्न, लेकिन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/3 का अर्थ है यानी कि 3 गलत प्रश्नों पर आपका एक सही प्रश्न भी गलत कर दिया जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि 1/3 किसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अब बात करते हैं CBT फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आप CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आपका CBT 1 क्लियर नहीं है तो आप CBT 2 क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं RRB NTPC एग्ज़ाम पैटर्न 2020 CBT 2, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अब उसमें और इसमें डिफरेंट क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, लेकिन इसमें कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 120। कैसे, एक बार समझ लेती हैं। उसमें भी समय 90 मिनट है, इसमें भी परीक्षा की अवधि जो रहेगी 90 मिनट रहेगी, लेकिन CBT 2 में आपके 10 क्वेश्चन सामान्य दिन में बढ़ जाएंगे, यहाँ आपके 50 क्वेश्चन होंगे, गणित में 35 क्वेश्चन होंगे, सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता में 35 प्रश्न रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120। ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद ही आप NTPC के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप CBT फर्स्ट क्लियर कर देती हैं और सेकंड किसी भी कारणवश नहीं दे पाते तो आपका एग्ज़ाम वैलिड नहीं होगा। इसलिए आपको ये दोनों ही कवर करने हैं, CBT 1 और CBT 2। हमने जो सिलेबस बताने जा रहे हैं आपको, वो सिलेबस हमने CBT 1 और CBT 2 दोनों को लेकर तैयार किया है। तो आइए जानते हैं उस सिलेबस के बारे में। सामान्य अध्ययन में आपको सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, वर्तमान घटनाक्रम, कंप्यूटर तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए भी सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आगे के सिलेबस की। अब बात करते हैं सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता की। तो पहला आपका चैप्टर रहेगा तार्किक आरेख, दूसरा चैप्टर रहेगा संकेत संबंध विश्लेषण, तीसरा चैप्टर प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, चौथा चैप्टर शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, छठवां चैप्टर शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, सातवां चैप्टर रहेगा व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, आठवां चैप्टर रहेगा दिशा ज्ञान परीक्षण, नौवां चैप्टर रहेगा तार्किक विश्लेषण, दसवां प्रभावी तर्क और 11वां चैप्टर रहेगा अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अब बात करते हैं गणित के सिलेबस की। तो इसमें पहला आपका चैप्टर रहेगा संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर रहेगा सरलीकरण, तीसरा चैप्टर दशमलव और भिन्न, चौथा चैप्टर मासा व लासा, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, कार्य समय व दूरी से संबंधित प्रश्न, मेंसुरेशन, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, अंकगणितीय संगणना, त्रिकोणमिति और बीजगणित। केवल यही टॉपिक आपको रेलवे के लिए पढ़ने हैं। और बाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन प्रेस अवश्य करें और
कमेंट भी करना ना भूलें। धन्यवाद।